बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान सफ़ाई देखने वाले जी पाकिस्तान के तमाम नाज़रीन को सोहेब सलीका अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दीगर शहरों पे खसूसी डॉक्यूमेंट्रीज का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में आज हम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के एक और सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लेके हाजिर हुए हैं। क्वेटा के हवाले से दिलचस्प मालूम आपसे शेयर करनी है, चलिए इसका आगाज़ करते हैं। बोलान पास के करीब वाके एक शहर क्वेटा, चारों तरफ से ही शहर पहाड़ों में घिरा हुआ है, छुपा हुआ है। पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर है। यहाँ हन्ना झील मौजूद है जो कि काफ़ी मशहूर और अहमियत की हामिल है। क्वेटा का स्टेशन सतह समंदर से 1676 फीट ऊंचा है। 1890 ईस्वी में बरतानवी दौर में यहाँ रेलवे लाइन बिछी थी। क्वेटा का ये स्टेशन मशहूर और मारूफ और इस पर दीगर ट्रेनें पूरे मुल्क से अंदरून मुल्क जाती हैं। क्वेटा के अगर खाबों की बात करें तो यहाँ का सेब काफ़ी मशहूर है। लियाकत बाज़ार और कंधारी बाज़ार दो बड़े बाज़ार हैं जहाँ लोगों का रश और चहल पहल होती है। क्वेटा के बाज़ारों में मुख्तलिफ तरह के कालीन नज़र आते हैं जो कि पूरे मुल्क में आते जाते हुए लोग एक दूसरे के लिए तोहफे के तौर पर लेके जाते हैं। और घरों में नमकीन गोश्त और बलोची सब्जी क्वेटा के मशहूर पकवान हैं जो कि बनाए भी जाते हैं और लोग बाहर जाके खाना भी पसंद करते हैं। इसके अलावा क्वेटा में खुश्क मेवा जात से एक से भर के एक चीज़ खाने को आपको मिलेगी और लोग इसके शौकीन हैं। मौसम सर्द होने की वजह से इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने अभी तक क्वेटा के शहर को नहीं देखा या बलूचिस्तान का सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा की तरफ आपके जाना नहीं हुआ तो जल्दी करें और अभी अपना सामान पैक करें और क्वेटा के नज़ारे को जाके देखें और इससे लुत्फानंदोज़ हों, क्योंकि ये वाकई अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। सोहेब सलीक को इस डॉक्यूमेंट्री स्पेशल एपिसोड से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई किस्त में नए शहर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।